नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद कश्मीर में मादक पदार्थों खासकर हेरोइन की तस्करी नई ऊंचाइयों को छू रही है और विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि इस बुराई से एक पीढ़ी के खोने का खतरा है तथा अधिकतर युवा नशे की लत के शिकार हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह का कहना है कि पाकिस्तान युवाओं को मादक पदार्थों का आदि बना रहा है। दिलबाग सिंह ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, वे वही गंदा खेल दोहरा रहे हैं जो उन्होंने पंजाब में खेला था, पहले हथियारों का प्रशिक्षण देना और बाद में युवाओं को मादक पदार्थों से बर्बाद करना। दिलबाग सिंह ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में नशीले पदार्थों से जुड़ी बुराई में काफ़ी वृद्धि हुई है और मादक पदार्थों की तस्करी पंजाब तथा जम्मू की सीमाओं से की जाती है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि मादक पदार्थों की बिक्री से होने वाली आय का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषण में किया जाता है और इसलिए हम इस बारे में अतिरिक्त रूप से सतर्क रहे हैं तथा इस पर अंकुश लगाने के प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रमुख ने कहा कि मादक पदार्थों के जोखिम से प्रभावित मुख्य क्षेत्र उत्तरी कश्मीर में करनाह, दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग और जम्मू के कुछ इलाके हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने श्रीनगर और जम्मू में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है तथा कुछ और नशा मुक्ति केंद्र उत्तरी कश्मीर में बनाए जा रहे हैं। पुलिस प्रमुख ने अपनी अपील में कहा, मुझे लगता है कि यह सामाजिक धार्मिक नेताओं के लिए युवाओं को खतरे से दूर करने के लिए तत्काल आधार पर कदम उठाने का समय है। उन्होंने कहा, आज हमारे पास समय है और हो सकता है कि कल हमारे पास समय न हो, इसलिए अभी और तेजी से कार्य करना बेहतर है। विशेषज्ञों की इन टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर कि कश्मीर ने आतंकवाद में एक पीढ़ी खो दी है और नशीले पदार्थों की बुराई से वह अगली पीढ़ी खो सकता है, दिलबाग सिंह ने कहा, निश्चित रूप से हाँ, मेरी इस बारे में कोई दो राय नहीं है। दूसरी ओर, श्रीनगर में जिला विधिक सेवाओं द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के दौरान दिव्यांगजनों के विशेष अधिकारों और उन्हें मिलने वाली तमाम रियायतों के बारे में भी जानकारी दी गई। हम आपको बता दें कि श्रीनगर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए संवैधानिक अधिकारों के संबंध में अक्सर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करता है। इस कार्यशाला में कानूनी अधिकारों की जानकारी लेने के लिए दिव्यांगजनों के अभिभावक व स्कूली शिक्षक भी मौजूद रहे। प्रभा साक्षी संवाददाता ने श्रीनगर में इस आयोजन का जायजा लिया और आयोजकों तथा प्रतिभागियों से बातचीत की। आई देखते हैं यह खास रिपोर्ट। मुझे लगता है आज का इवेंट जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आज हमने बात की तरह तरह की जो राइट्स हैं, जो इख्तियारात है कानून कवानीन में स्पेशली एबल चिल्ड्रन के लिए, यानी ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जिनको कोई डिसेबिलिटी का शिकार होना पड़ता है, ऐसे लोगों को स्पेशली एबल चिल्ड्रन बोलते हैं। तो आज हमने मुख्तलिफ मौजूदात पर बात की और बेसिक मकसद ये रहा कि हम इनको बोल सकें कि इनके क्या क्या इख्तियारात है कवानीन में जिनका ये पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और माशाल्लाह इनका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा और ऐसा फील होता है कि इन्होंने भी समझा कि ये किन किन इदारों का रुजू कर सकते हैं, कहाँ कहाँ किन ऑफिसेज में जा सकते हैं जहाँ से ये अपने जो राइट्स हैं इनके लॉज में उनको अच्छे से उनका यूज़ कर सकें और उनसे फ़ायदा उठा सकें। तौर पर तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है उसकी नशोनुमा यानी न्यूट्रिशन, खाना पीना उसको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए मुल्क भर में तमाम बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो अपना खाने पीने या नशोनुमा की जो देखभाल नहीं कर सकते खुद से या उनकी फैमिलीज नहीं कर सकती, आंगनवाड़ी सेंटर्स है। उसके बाद एजुकेशन, तालीम की ज़रूरत होती है। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में साफ लिखा गया है कि डिसेबिलिटी जिन बच्चों को होगी यानी जो स्पेशली एबल्ड होंगे 18 साल की उम्र तक मुफ्त एजुकेशन उनको हर जगह फराहम होगी। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट की बात आई, रोज़गार की बात, तो वहाँ भी कानून जो है इनको तहफ़ुज़ात फराहम करता है। 3% रिजर्वेशन हर इदारे में, कानूनी इदारे में ज़रूरी है। तीसरा, फंक्शनल जो इनके लिए एक्सेसिबिलिटी का आस्पेक्ट है जो कि बहुत ही कम फॉलो होता है। कानून ये कहता है कि हर किसी पब्लिक बिल्डिंग में आपको रैंप्स रखना ज़रूरी है ताकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी भी एक्सेस कर सके, क्योंकि इन इदारों पे इनका भी उतना ही हक है जितना आम लोगों का है। चौथी चीज़, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन यानी अगर ये बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो खास कंसेशंस इनके लिए रखी गई हैं, एयर ट्रैवल, रेल में भी खास कंसेशंस रखी गई हैं। लेकिन ऐसी कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो इनको नहीं मालूम है और इनका वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। और ये कुछ ऐसे
ऐसे हुकूक हैं, अगर इनका ये फ़ायदा अच्छे से उठाएं तो इनकी ज़िंदगी भी कमोबेश उतने ही हुकूक और इतने ही इख्तियार से गुजरेगी जितना कि आम लोगों की ज़िंदगी गुजरती है। तो आज हमने इनको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया और पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जो आज का हमारा सेशन है ये कामयाब रहा और ये लोग पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे अपने इख्तियार का। जी, ये आज जो इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इसमें हम आज राइट्स विद रिगार्ड टू डिसेबल्ड पर्संस के बारे में इनको थोड़ी जानकारी देने दी हम लोगों ने। तो लीगल राइट्स जैसे कि गार्डियनशिप है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं, बाकी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं, जो भी राइट एक नॉर्मल इंसान के होते हैं वो इन लोगों के भी होते हैं जो ये स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं। तो उन राइट्स के बारे में हम इनको यहाँ पे थोड़ी जानकारी हमने दी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर जो हमारे यहाँ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में, वहाँ पर इनको फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसको भी ज़रूरत हो। जो भी बेनिफिशरी वहाँ आएगा उसको, चाहे वो डिसेबल्ड हो चाहे नॉर्मल भी, वहाँ लोगों को अवेल कर सकते हैं अपने सर्विसेज हमारे जो वहाँ हैं। तो वैसे वो सर्विसेज इन लोगों के लिए भी हैं, डिसेबल पर्सन्स के लिए। वहाँ कोई ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इंसान वहाँ पे उसको लीगल रेमेडी मिल सकेगी। तो ये भी आ सकते हैं, इनके जो भी इनके डिमांड्स, जो भी इनके इश्यूज होंगे, मैटर्स होंगे, ये वहाँ पे आके डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में आके हम वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो सॉल्व करें। बाकी ये आज का इवेंट जो रहा ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, इसमें इनको काफ़ी अपने लीगल राइट्स के बारे में जानकारी दी गई, जिनका कि इनको कुछ लोग तो बेखबर उन चीज़ों के बारे में थे, तो वो हम लोगों ने इन लोगों को प्रोवाइड किया। इवेंट रहा, हमने अरेंज किया था, ये पेरेंट्स को बुलाया हमने, बच्चों के पेरेंट्स, क्योंकि जो बच्चे हैं डेफ एंड म्यूट है, ये सुनते नहीं हैं, तो इसलिए हमने उनके पेरेंट को इसलिए बुलाया था कि ये भी देखें, ये भी सुने कि इन बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने अवेलेबल रखे हैं, तो ये अवेयर हो जाए। इसके लिए हमने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो श्रीनगर की शाख है उनसे रابطہ किया था, तो उन्होंने अपना एक टीम भेजा यहाँ पर और इन पेरेंट्स को उन्होंने अवेयर किया जो जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने इन बच्चों के लिए रखे हैं उनके बारे में उन्होंने कहा। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए बाकी डिस्ट्रिक्टों में इन बच्चों के लिए, तो नॉर्मल बच्चा या नॉर्मल पेरेंट जो है उनको तो अवेयरनेस है, लेकिन इन पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। तो इनसे जब फिर हम पेरेंट्स को मिले वो बहुत खुश हुए कि आपने ऐसा इवेंट अरेंज किया, और ये भी कहा कि ऐसे इवेंट्स आगे भी अरेंज होने चाहिए ताकि हमें जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है उनका हम फ़ायदा उठा सकें। मैं मामा का रहने वाला हूँ, ये मेरी बेटा बेटी है, इनको चाहिए कुछ फ़ायदा होना चाहिए, बच्चों का कुछ फ़ायदा होना चाहिए जो ये ऊपर चढ़ेगा थोड़ा। तो यहाँ तो हमारी परेशानी है, हम दूर से गांव से आती, न गाड़ी का इंतज़ाम न कुछ इंतज़ाम, इनका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। हमारे ये कानून का पता नहीं, आज यहाँ आज बुलाया हमने इनको, बुलाया आज यहाँ, तो क्या करना क्या नहीं करना, हम थोड़ा जाएगा हमारी विभाग भी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।